जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं घर बैठे मात्र 2 मिनट में। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको पैसे देने की ज़रूरत है। और ये जो घर बैठे ऑनलाइन लिंक करने का जो तरीका है, गवर्नमेंट का एक नया तरीका है जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। चलिए इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है, सारा आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक गवर्नमेंट की एक ऐप है जो भारतीय डाक की तरफ से सेवाएं मिलता है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उसके टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सत्यमेव जयते, इस तरीके से गवर्नमेंट की बिल्कुल एप्लीकेशन है। अब दोस्तों आपको लिंक करने के लिए सर्विस जो है इस सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों इस ऐप के मदद से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं बल्कि बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से एक फार्म ओपन हो जाएगा, फार्म ओपन हो जाएगा तो इस फार्म को भरना है। उसके पहले यहाँ पर देखिए दो कैटेगरी बना हुआ, सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन बना हुआ है जिसमें कि आपको आधार सर्विस सेलेक्ट करना है। उसके नीचे जाएंगे तो एक मोबाइल लिंकिंग का एक मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नाम, पता, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ को आपको फिल करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ भर लिया है, अब रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद मेरे इसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा क्योंकि मैंने यही नंबर दिया। देखिए यहाँ पर ओटीपी आ चुका है 905048। अब यहाँ पर मैं सबमिट कंफर्म सर्विस वाले रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। अब इस पर करूँगा जैसे ही तो मेरे एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल जाएगा कि रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर इतना, इसको मैं कॉपी करके रख लूँगा या कहीं नोट डाउन कर लूँगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से आपको ट्रैक करना है, ऊपर आपको मिलेगा क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे वही रेफरेंस नंबर आपको 1 घंटे बाद यहाँ पे फेच करना है तो पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके जब आप फेच करेंगे तो पूरा आपका यहाँ पर डिटेल मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा। उसके यहाँ पर आपको उसे सबमिटेड करने के बाद आपके 24 घंटे के बाद वर्किंग डे होना चाहिए, उसके बाद आपके घर पर अगले दिन जो है कि भारतीय डाक सेवा केंद्र की तरफ से कोई सर्विस पर्सन आएगा जो आपका सारा डिटेल लेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर देगा। ये दोस्तों ये सर्विस जो है बहुत ज़्यादा सर्विस चालू हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ सर्विस चालू हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। उम्मीद करूँगा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।